वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। मैं गंभीर सर आज आपके लिए लेके आया हूँ जो गवर्नमेंट रेलवे एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, उसके लिए करंट जीके और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो कैसी लगी और ऐसी तरह की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आज की जो क्वेश्चन सीरीज है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अब हमें पूछा गया है कि एक तो रेलवे के लिए और टेलीग्राफ सिस्टम के लिए कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके लिए इसको ये श्रेय जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। क्लियर, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लैंड और चीन के बीच पहला अफीम युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी कि इसमें पूछा गया है कि इंग्लैंड और चीन जो कंट्री हैं उसके बीच में जो पहला अफीम युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी जिसके कारण वो समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बर्लिन की संधि, पेरिस की संधि, वियना की संधि, नानकिंग की संधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, नानकिंग की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप भी नोट करते जाइए कि आप इस सीरीज में कितने क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। ये 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो मैं ये टेस्ट सीरीज 40 क्वेश्चन की भी करूँगा, लेकिन पहले मैं 2-3 सीरीज इसकी केवल 20-20 क्वेश्चन के सेट के रूप में दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बैरिस्टर और पहला उच्च शिक्षित भारतीय था। यानी कि वह कौन सा भारतीय व्यक्ति था जो दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करने गया था और उच्च शिक्षित भी था। सबसे पहला वाला बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है तेज बहादुर शप्रू, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि हमें यहाँ पूछा गया कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कारक है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी समुद्री धाराएं, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी वनस्पति। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो हमारा राइट आंसर है वर्षा। जो वर्षा होती है वो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है जबकि अक्षांश, समुद्री धाराएं और वनस्पति करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और पशु जीवन के लिए भूमि पर एक बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो वनस्पति और दूसरा पशु, इन दोनों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जब ये दोनों वनस्पति और पशु जो हैं एक बहुत बड़े पैमाने पर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम जो एक शब्द का उपयोग करते हैं वो शब्द है बायोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी समय अवधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जनसंख्या की वृद्धि दर, बी आधार जनसंख्या, सी जनसंख्या की जन्म दर और डी जनसंख्या का घनत्व। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जब कोई समय अवधि की शुरुआत होती है तो उस वाले क्षेत्र में
जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या को हम कहते हैं आधार जनसंख्या। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो की जो लिंक है उसे आप अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस तरह से जुड़ कर के फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करीब 200 से अधिक क्लास मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लास को देख सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन के निर्धारित सेट के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया गया एक संकेत वाली, बी ऑप्शन एक संकलक, सी ऑप्शन एक विवरण और डी ऑप्शन है एक एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर भी मैं बताऊंगा आपको और उसका थोड़ा सा एक मिनट में डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि होता क्या है। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि जो गणितीय समस्याओं को हम हल करने के लिए एक प्रोग्राम का सेट बनाते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती हैं C++, जावा, DSC, DBMS जो भी, तो प्रोग्राम का क्या बनाते हैं? सेट। तो प्रोग्राम जो होता है उसमें होती है इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन यानी कि एक तरह से जो डाटा तैयार होता है उसके लिए एक फ़्लो में हम बनाते हैं, उस फ्लो को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सह अक्षीय जिसे हम सह अक्षीय को बोलते हैं को एक्सियल, सह अक्षीय को क्या बोला जाता है? को एक्सियल। सह अक्षीय केबलों की संचरण गति क्या है जो डेटा संचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? यानी कि वो जो को एक्सियल केबल यानी कि सह अक्षीय जो केबल होती हैं उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड पूछी गई है। उसकी स्पीड इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रति सेकंड 200 से 500 मिलियन बिट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है, तो उसका मुख्यालय जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार में, इनमें से बताना है दुबई में है या बेसल में है या लॉजियन स्विट्ज़रलैंड में है या एथेंस ग्रीस में है। तो हॉकी का जो इंटरनेशनल, एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IHF, इसका मुख्यालय लॉजियन स्विट्ज़रलैंड में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2019 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले श्री सुनील छेत्री निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यहाँ पूछा गया है, देखो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि सुनील छेत्री को जनवरी 2019 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न, प्रथम फर्स्ट नंबर पर जो आता है। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया था जो भारत के किस खेल से संबंधित हैं, ये हमें पूछा गया है। तो सुनील छेत्री जो हैं वो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सैन्य अलंकरण पुरस्कार है जो युद्ध के मैदान से दूर वीरता साहसी कार्यवाही आत्मबलिदान के लिए प्रदान की जाती है? यानी कि ये जो चार पुरस्कार दिए गए हैं नीचे ऑप्शन में, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा भारतीय सैन्य अलंकरण पुरस्कार है जो युद्ध के मैदान में दिया गया है, वीरों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सैन्य अलंकरण पुरस्कार, ये अभी हमने किया ही है, जिसका राइट आंसर अशोक चक्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा का उपयोग पहली बार किस वर्ष में बिजली का उत्पादन करने के लिए किया गया? परमाणु ऊर्जा यानी कि जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम, थोरियम, इन नाभिकीय तत्वों का उपयोग करके किया जाता है। तो इसके द्वारा सबसे पहले जो बिजली बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1951, बी ऑप्शन इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो मार्च गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के वसंत विषुव निम्नलिखित में से किस मौसम में होते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के वसंत विषुव जो होते हैं वो किस मौसम में होंगे? वसंत मौसम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षुद्र ग्रह सिलिकेट चट्टानों और मिट्टी से बने हैं? तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से क्षुद्र ग्रह हैं जो सिलिकेट चट्टानों और मिट्टी से बने होते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया आर टाइप, एम टाइप, सी टाइप और पी टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा सी टाइप, जिसे कार्बोसिल टाइप भी कहते हैं, जो सिलिकेट चट्टानों और मिट्टी से बने हुए छिद्र ग्रह होते हैं। तो सी टाइप छिद्र ग्रह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चूना और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है। त्वरित चूना यानी कि CaO प्लस पानी यानी कि H2O। यानी कि आपने जब देखा होगा दिवाली पर आप अपने घर की पुताई करते हो, तो टंटा जो होता है यानी कि जो सफ़ेद चूना होता है उसको पानी में जब डाल देते हैं तो वो क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। तो उसकी प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है, वही यहाँ पे पूछी गई है। CaO प्लस H2O को जब मिलाते हैं तो यहाँ बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बनती है, हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, तो मिश्रण के तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उनके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों से कई धातुओं को निकालने के लिए की जाती है? यानी कि कौन सी अभिक्रिया है जो काफ़ी सारे यौगिकों को, या जो एक मिश्रण होता है उसमें से कई धातुओं को निकालने के लिए हम उपयोग में लेते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया अपघटन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजक प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। देखो विस्थापन जो होती है या द्विविस्थापन जो होती है उसमें स्थान चेंज होता है, क्लियर। संयोजक प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं वो जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं, जबकि अपघटन में क्या होता है, एक बड़ा यौगिक जो होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे यौगिकों में। तो इसका राइट आंसर होगा अपघटन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हें एल्केन बोला जाता है, इन्हें एल्कीन बोला जाता है और इन्हें एल्काइन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ एकल सहसंयोजक बंध जो होते हैं तो उन्हें बोला जाता है एल्केन, डबल वाले को बोला जाता है एल्कीन और ट्रिपल वाले को बोला जाता है एल्काइन। तो इसका राइट आंसर होगा एल्केन, जो कि जो अपनी हाइड्रोकार्बन होती है उसमें सबसे सरल बॉन्ड यानी कि सबसे सिंपल बॉन्ड जो होता है वो एल्केन समूह ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जो डायनेमो होता है उसकी शाफ्ट को हम घुमाते हैं तो वो हो गई मैकेनिकल एनर्जी, और डायनेमो जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है
तो वो हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करता है वो होता है डायनेमो, और सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विस्कोसिटी चिपचिपा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिपचिपापन, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि तीन ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं जबकि एक ऑप्शन गलत है। एक आदर्श तरल पदार्थ की विस्कोसिटी शून्य होती है, बिल्कुल सही है। चिपचिपापन यानी कि विस्कोसिटी तरल पदार्थ और गैसों का गुण है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर तरल पदार्थ की चिपचिपाहट यानी कि विस्कोसिटी जो होती है वो घट जाती है, बिल्कुल सही है। तरल पदार्थ में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी यानी कि चिपचिपाहट घट जाती है। अगला, तापमान में वृद्धि के साथ गैस की चिपचिपाहट कम हो जाती है, ये ऑप्शन गलत है। जबकि गैस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती है, क्लियर सभी को? विस्कोसिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इन कथन में गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन को मान्य करता है कि लोचदार, जैसे कि एक गुब्बारा होता है, कैसा होता है? लोचदार। लोचदार सीमा के अंदर तनाव जो होता है यानी कि टेंशन जो होता है वो प्रतिबल के समानुपाती होता है। टेंशन जो है वो किसके समानुपाती है? प्रतिबल के। ये किसने दिया था? तो देखो, स्नेल का नियम तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर है अपवर्तनांक के लिए, ये तो होगा ही नहीं। कूलाम का नियम आवेश के लिए होता है, फेराडे का नियम विद्युत के लिए होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा हुक का नियम। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये हुई हमारी टेस्ट सीरीज आज की कंप्लीट, जिसमें मैंने 17-18 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो मैं आपको और भी अच्छी, इससे अच्छी और भी अच्छी सब्जेक्ट की, टॉपिक की टेस्ट सीरीज डालूंगा। और अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का भी मैं टेस्ट सीरीज डालूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।